चंडीगढ़ के एलांटे मॉल दे विच वड्डा हादसा वापरिया है। टॉय ट्रेन दे हादसे का शिकार होने कारण इस बच्चे की मौत हुई है। नवा शहर तो चंडीगढ़ घूमन लिए परिवार आया, हादसे दे विच बच्चे की मौत हुई है। हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया जिथे बच्चे ने दम तोड़ दिता है। तो वड्डी गिनती दे विच लोग शाम वेले जां फिर अक्सर ही एलांटे मॉल दे विच घूमन फिरन दे लई आउंदे ने। पवित कौर मेरी सहयोगी फोन लाइन से ज्यादा जानकारी की सांझ पाउण वास्ते जुड़ चुके हैं। पवित, की कुछ अपडेट और जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी उम्र कितनी दसी जा रही है? जी बिल्कुल, तुहानू दस दिए कि चंडीगढ़ के एलांटे मॉल के जो प्लेइंग एरिया है उसके एक बच्चे की टॉय ट्रेन के पलटन के नाल जो है मौत हो गई है। तुहानू दस दिए कि बच्चे की उम्र जी है 11 साल जी दसी जा रही है। इलाज जिहड़ा सैक्टर 32 अस्पताल दे विच कीता गया सी, बट इलाज दे दौरान ही सवेरे दे 4 बजे दे करीब जिहड़ा है ओहदी मौत हो गई। जो मृतक दी पहचान है ओह नवां शहर दे निवासी शहबाज दे रूप दे विच दस्सी जा रही है। हुण इस टाइम जो है टॉय ट्रेन नूं जो है अपनी जब्त दे विच लै लिया है, बट इस समय भी जो है सारी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है कि किस कारण जो टॉय ट्रेन जो है पलटी है, क्योंकि अक्सर असीं देखदे हां कि शाम दे समय दे विच एलांटे मॉल दे विच जो प्लेइंग एरिया है उत्थे काफी फैमिलीज अपने छोटे बच्चों दे नाल उत्थे आई हुंदे ने और हमेशा ही ओह एरिया बहुत ज्यादा जिहड़ा भरिया रहिंदा है। ते इस समय जो मालिक ने उह ट्रेन दी जो कंपनी दे मालिक ने उहनां दे अगेंस्ट भी जो है केस दर्ज, लापरवाही दा जो केस है ओह दर्ज कर दिता गया है। ते इस समय पुलिस ने जो पोस्टमार्टम दे बाद जो है ओह जो बच्चे दी बॉडी है ओहनूं परिवार नूं सौंप दिता है। पवित, किन्ने कु बजे पूरा हादसा वापरिया सी, कि कोई स्पेसिफिक टाइम बारे तुहाडे कोल कोई जानकारी है कि किन्ने कु बजे सारा घटनाक्रम होया है? जी बिल्कुल, देखो ये जो घटना है ये कल रात दी दसी जा रही है, जिस तो बाद बच्चे नू रात नू ही अस्पताल दे विच सेक्टर 32 सरकारी अस्पताल दे विच भर्ती करा लिता गया सी। ते इलाज दे दौरान ही सवेरे 4 बजे जो है बच्चे दी मौत हो गई। ठीक है, एक एलांटे मॉल चंडीगढ़ का बहुत फेमस मॉल है और वड्डी गिनती दे विच इत्थे बच्चे भी आउंदे ने, नौजवान भी आउंदे ने, तां हुण प्रबंधकां नूं जरूर नसीहत इस तों लैणी चाहीदी है कि दुबारा अजिही कोई घटना ना वापरे। पवित, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखो इस समय अगर असीं गल दी गल करिए, अगर असीं शिकायत दी गल करिए, शिकायत तो बाद जिहड़े टॉय ट्रेन दे ऑपरेटर ने ओह बापू धाम दे निवासी सौरव अते कंपनी जो कंपनी तो टॉय ट्रेन उन्होंने खरीदी सी, पुलिस ने जरूर उन्होंने खिलाफ एक इरादतन हत्या अते लापरवाही दा जो मुकदमा है ओह दर्ज कर लिता गया है। ते इस समय सानू जरूर लगता है कि इस तो बाद जो कड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनणगे, क्योंकि एक वारी मशीनां जरूर खरीद लईआं जांदीआं ने बट ओहदी देखरेख या फिर उन्होंने भी प्रॉपर ऑयलिंग, क्योंकि इंजन छोटे छोटे लगे होंगे ने, ये सारी ये चीजों का ध्यान कितना ना कितने कंपनी को रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जो उन्होंने ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि टॉय ट्रेन के हमेशा ही एक ऑपरेटर होंगे जो बैठिया नाल होंगे, तो ये सारी चीजों से ही जो क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो निकाली जा रही है, तो सीसीटीवी फुटेज के दौरान भी की कुछ चीजा निकल के सामने आदि ने कि किस कारण ट्रेन पलटी, क्योंकि एक ऑपरेटर उस टॉय ट्रेन को हमेशा चलाते होंगे ने। तो इस समय पुलिस जी है वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, तो पुलिस ने भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया कुछ समय के विच ठीक है। पवित, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी दी सांझ पाउण वास्ते। चंडीगढ़ ते खबर सी जिथे एलांटे दे विच वड्डा हादसा होया और एक मासूम बच्चे दी जान चली गई है। टॉय ट्रेन ते खेडदे समय बच्चे दी जान गई है। फिलहाल पुलिस वालों मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार टॉय ट्रेन किवें पलटी, की कारण रहे ने, की कोई टैक्निकल फॉल्ट सी, हर एक पहलू तो जांच पड़ताल पुलिस के वल्लों की जा रही है। चंडीगढ़ से यह वड्डी खबर है जिथे टॉय ट्रेन के हादसे का शिकार एक बच्चा होंदा है, हॉस्पिटल दे विच उसनूं दाखिल करवाया जाता है जिस तो बाद उसने दम तोड़ दिता है। नवां शहर तो यह परिवार चंडीगढ़ आया सी।